आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो काम हमने शुरू किए आने वाले समय में ये राहुल जी उस न्यूक्लियर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। राहुल जी ने जो रेलवे लाइन सेक्शन करवाई हिसार से लेकर के सिरसावाया आगरवा फतेहाबाद और जिसका रूप होगा हमारे रतिया के साइड से जिसको ड्रॉप करने का काम इस मोदी सरकार ने किया। ऐसे ही मेवात के साथ भेदभाव किया, ऐसे ही अमला अंबाला और यमुनानगर के साथ भेदभाव किया। तो हम तो राहुल जी से यही कहेंगे कि सर आपके आते ही ये कृषि में बहुत अव्वल जिला है, लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में औद्योगिक इकाइयों की जरूरत है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने, संजय गांधी जी ने यहाँ पर हरियाणा के अंदर मारुति की नींव रखी, हम चाहते हैं कि मारुति से बड़ा प्राण आने वाले समय में इस इलाके में रखे। 43,000 करोड़ का जो तोहफा आपने दिया था, इस बार 1,00,000 करोड़ रुपए का तोहफा देकर के एक सिरसा, फतेहाबाद, नरवाना और ये जो बॉर्डर का इलाका है, जो सिरसा के युवा आपको मिले। नरेंद्र मोदी जी, आप सिरसा के युवाओं को ये कहो, कराई के नाम, कराई के नाम, कराई के नाम, कराई के नाम, दूसरे डिस्ट्रिक्ट आए थे। नरेंद्र मोदी जी, आप सिरसा के युवाओं को बताओ कि आपने अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? यहां पे अभी कि 1600 करोड़ रुपए में हवाई जहाज खरीदा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। मोदी जी आप आते हैं, जनता कहती है चौकीदार चोर है, आप जनता को समझाइए, आप जनता को समझाइए, आप सिरसा के युवाओं को समझाइए, क्योंकि भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं है, ये वेपन सिस्टम है, मतलब ये 21वीं सदी का वेपन सिस्टम है। इसमें हवाई जहाज, हथियार, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कंप्यूटर्स, इस हवाई जहाज में ये सब चीजें हैं। ये हवाई जहाज हिंदुस्तान की रक्षा करेगा। और हमारा सपना था, सिरसा के युवाओं का सपना था कि ये हवाई जहाज एक दिन शायद सिरसा में एचएल की फैक्ट्री में बने। कांग्रेस पार्टी ने ये दीवार को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, कैसे तोड़ा, मैं बताता हूं। मैनिफेस्टो में एक लाइन, बिजनेस खोलने के लिए, छोटा बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस खोलने के लिए सिरसा के किसी भी युवा को, हरियाणा के किसी भी युवा को, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेस खोलो, युवाओं को रोजगार दिलवाओ, 3 साल बाद जब आपका बिजनेस चालू हो जाएगा, 20-30
लोग आपके लिए काम करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, हिंदुस्तान को आपने रोजगार दिलवाया होगा। 3 साल बाद आप जाना सरकारी डिपार्टमेंट में जाना कहना 3 साल पहले मैंने बिजनेस खोला था, बिजनेस चालू हो गया, तैयार है मेरे साथ युवा काम कर रहे हैं, मैंने हिंदुस्तान के युवा को काम दिया, अब मुझे प्रमोशन। 3 साल बाद अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, खत्म कहानी, दीवार हमने तोड़ दी। ये हम आपके लिए करना चाहते हैं, मगर मेन बात यह है हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान की माताएं बहने, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का छोटा दुकानदार मालिक है। मालिक आप हो, ऑर्डर आपको देना है, हमारा काम सुनने का है, हमारा काम आपको अपनी मन की बात बताने का नहीं है। हम आपको मन की बात नहीं बताएंगे, हम आपकी मन की बात सुनेंगे और आपके खून आपके पसीने का आदर करेंगे। भाइयों और बहनों, अशोक गहलोत को आप जिताइए, लोकसभा में बचाइए, जनता को जरा बता दीजिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।